हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपकी 12 अप्रैल को एग्जाम होने वाली है मैथ की, तो इसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको मैं बताता चलूँ कि आपके आज जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये एक्सरसाइज 14 है, और 14 की जो एक्सरसाइज है वो 15 नंबर की आएगी। इसमें देखो, अपने पास 4 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर के आएंगे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे अधिक अंकों की है, इसलिए मैं आपको ये करवाना चाहता हूँ। और सिर्फ ये एक वीडियो काफ़ी है आपको 15 नंबर लाने के लिए, इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होने वाले हैं। अब देखो, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है अपना, देखो, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। मध्य जेब खर्च 18 रुपये है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करो। मतलब अपने को क्या करना है, मध्य दिया हुआ है और बारंबारता एफ का मान ज्ञात करना है। याद रखना, 3% आएंगे एक मध्य, सॉरी 4% आएंगे, एक मध्य का आएगा, एक बहुलक का आएगा और एक माध्यक का आएगा। एक इन्हीं में से कोई सा रिपीट हो सकता है, मतलब कोई दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला किस पे आधारित है, माध्य पे आधारित क्वेश्चन है। देखो, इसमें अपने पास दैनिक जेब खर्च दिया हुआ है और बच्चों की संख्या दी हुई है। इसमें देखो, अपने पास क्या है, एक एफ है, और एफ का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षय निकालेंगे। अक्षय क्या होता है, इन दोनों के बीच का। बीच का निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, या तो अपना डायरेक्ट दिमाग लगा लो, 11 और 13 के बीच में क्या आता है, 12 आता है। इसके अलावा अगर नहीं लगे दिमाग तो क्या करें, अपने पास जैसे मान लो काफी बड़ी संख्या है यार, पता नहीं है अपने को कैसे निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 11 और 13 दोनों को जोड़ दो और फिर 2 का भाग दे दो। 11 और 13 कितने हो जाएंगे, 24। 24 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे अक्षय का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखो, इनमें गैप कितने कितने का है, दो दो अंकों का गैप है ना, तो उसी तरह से इनमें भी दो दो अंकों का गैप दे लो आप। 12 के बाद 2 और जोड़ दो, 14। 14 के बाद 2 जोड़ दो, 16। 16 के बाद 2 जोड़ दो, 18। 18 के बाद 2 जोड़ दिया, 20। 20 के बाद 22 और 22 के बाद 24, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जितना गैप है ना, हमने पहले वाला फाइंड कर लिया, इसके बाद जितना गैप है उतना इसमें प्लस करते जाओ, ठीक है ना, ये सारा अक्षय का मान आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, एफ आई अक्षय फाइंड करना है, ठीक है ना। एफ आई अक्षय का मतलब क्या है, कि एफ आई अक्षय से गुणा हो रहा है। तो देखो, 12 को 7 से गुणा करेंगे, 12 × 7 = 84। 14 को 6 से करेंगे, 14 × 6 = 84। फिर 16 को 9 से करना है, 16 × 9 = 144। फिर 18 को 13 से करना है, देखो 13 × 8 = 104। आसिल की कितनी होगी, 10। 13 × 1 = 13 और 10 कितने हो गए, 23। फिर 20 को एफ से करेंगे, 20 एफ। फिर क्या करेंगे, 22 को 5 से करेंगे, कितना हो गया, 110। और 24 को 4 से करेंगे, 24 × 2 = 48, 24 × 3 = 72, 24 × 6 = 96। आगे बात समझने, अब हमें क्या करना है, एफ का टोटल करना है, एफ आई अक्षय का टोटल करना है, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे 7 और 6 कितने हो गए, 13 13 और 9, 13 13 26, 26 और 9, 26 और 9 कितने हो जाएंगे, 35। 5 40, 40 और 4 कितने हो जाएंगे, 44। देखो, ये तो 44 हो गए, बीच में क्या अपने पास F बचा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम, प्लस F लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे करो टोटल, देखो 4 4 8, 4 12, 4 16, 16 और 6 22, 22 के 2, हासिल की 2 हुई, 2 और 8 10, 10 8 18, 4 22, 22 और 3, 22 और 3 25, 1 26, 26 और 9 35, 35 का 5, 3 हो गई हासिल की, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2, सॉरी 6 और 1 7, ठीक है ना, कितना हो गया, 752। ये 20F वाला, इसको अपने को क्या करना है, छोड़ना है अलग से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपना, 20F। आगे बात समझने, अब हमें क्या करना है, माध्य अपने को दे रखा है, अपने को F का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पहले तो देख लो माध्य कितना दे रखा है अपने को, 18 दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो, अपने पास क्या है, माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई अक्षय बट्टा सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। अब देखो, सिग्मा एफ आई अक्षय का मान, पहले तो देखो माध्य का मान कितना है अपने पास, 18। सिग्मा एफ आई अक्षय कितना है अपने पास, 752 प्लस 20F, और एफ 20F, और एफ आई का मान कितना है, 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, ठीक है ना। अब देखो, अपने पास अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए तो हम इसके नीचे 1 ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। देखो, अब इसको ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, 752 प्लस 20F बराबर क्या हो जाएगा, 18 को 44 से करना है, ठीक है ना। 18 × 36 = 34, 18 × 4 = 72, 72 के 2 वापस से, 18 × 4 = 72, 72 और 7 कितने हो जाएंगे, 79।
ठीक है ना। फिर 18 को f से करेंगे क्या हो जाएगा 18f, आगे बात समझे। अब क्या है अपने पास, देखो ये 20f है ठीक है ना, ये 18f है, इसको बराबर के इधर लेके आ जाएंगे, माइनस का 18f हो जाएगा, ये 712 में है ही अपने पास, इसको हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 752, आगे बात समझ में। अब देखो 20f में से 18f घटाएंगे क्या बचेगा 2f, और 792 में से 752 घटाएंगे क्या आ जाएगा 40। अब देखो f बराबर क्या हो जाएगा 40/2, ये 2 यहाँ पे गुणा में है, कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा, तो 40/2 कितना हो जाएगा 20, मतलब ये f का मान क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, आगे बात समझ। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अपने पास कि निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों के अपेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करो। बच्चों मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन लिया है। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन में अगर संख्याएं चेंज होती है, देखो आपके पास क्वेश्चन जरूर आएगा, माध्य का आएगा, बहुलक का आएगा, माध्य का आएगा, संख्याएं चेंज हो सकती है, इससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तरीका सेम रहेगा ठीक है ना। तो देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, जीवन काल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है, अपने को क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए अपने को बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए, इसके हिसाब से इसमें अपने मान देख लो। सबसे पहले देखो हम क्या देखते हैं, एफ का मान देखते हैं, जो एफ वन होता है ना, F1 का मान देखते हैं। F1 क्या होता है, जो सबसे अधिक होता है ना बारंबारता में, सबसे अधिक होता है वो क्या होता है, F1 होता है, आगे बात समझे। इससे ऊपर वाला, इससे जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0 हो जाएगा, इससे नीचे वाला क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, आगे बात समझ में। जो हम F1 ले रहे हैं वो ही वर्ग सेलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है ना, मतलब ये वर्ग ले लिया हमने 60 से 80 वाला। अब देखो अपने पास क्या बच गया, एल बच गया। एल क्या होता है, जो बहुलक वर्ग लिया है ना हमने, इसकी जो निम्न सीमा होती है वो तो क्या होती है, एल होती है। और एच क्या होता है, एच होता है जो इसकी हाईएस्ट सीमा है, कोई सा भी जो ये अपना वर्ग है ना, इसका अंतराल ले लो, वर्ग अंतराल जो होगा ना वो क्या होगा, मतलब एच होगा है ना। जैसे 0 से 20 में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, या 20 से 40 में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, तो यहाँ पे एच का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बाकी सारे मान अपने पास हैं, बस सूत्र में रखना है। देखो क्या हो जाएगा, एल का मान, एल का मान कितना है यहाँ पे 60 है, प्लस एफ वन का मान कितना है, देखो एफ वन का मान है 61, फिर माइनस एफ जीरो का मान कितना है 52 बट्टे, देखो 2f1 का मान कितना है अपने पास 61 है ठीक है, फिर माइनस f0 का मान कितना है 52 है, और फिर माइनस f2 का मान कितना है 38 है ठीक है ना, गुणा h का मान कितना है अपने पास 20 है ठीक है ना। कैलकुलेशन अगर सोल्व करनी है अपने को, देखो 60 प्लस 61 में से 52 घटाएंगे कितने बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे ना, बट्टे 61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60 × 120 और 122 ठीक है ना। 61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 122, फिर देखो ये दोनों संख्याएं माइनस की है, दोनों माइनस की है, जुड़ जाएगी लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का, 8 और 2 कितने हो गए 10, और 5 और 3 8, और एक हासिल वाली 9 गुणा 20 ठीक है। अब देखो 60 प्लस यहाँ पे क्या बचा अपने पास 9, और 122 में से 90 घटाने कितने बचेंगे, देखो 32, और ये गुणा में 20 ठीक है। अब देखो 60 प्लस 9 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, इसको एक बार ऐसे लिख दो 9 गुणा 20 बट्टा 32 ठीक है ना। अब देखो 4 का भाग जा रहा है दोनों में, 4 × 20 और 4 × 8 = 32 ठीक है ना। अब देखो अपने पास क्या बचा, 60 प्लस 9 × 45 बट्टे 8 ठीक है ना। अब देखो एक तरीका तो अपने पास क्या है कि इन दोनों का लघुतम ले लो ठीक है ना, लघुतम लेके करो, तो 8 और 1 का लघुतम कितना आ जाएगा 8 ठीक है ना, 1 का भाग 8 में देंगे, 8 बार 8 को 60 से गुणा करना है, तो 8 × 6 = 48, 480 हो गए, फिर प्लस 8 में 8 का भाग दिया कितनी बार गया, 1 बार, 1 को 45 से गुणा करेंगे 45 कितना हो जाएगा, देखो 5 और 8 = 12 और 4 और 1 = 5, 525 में 8 का भाग देना है ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा देखो 525 में 8 का भाग देंगे 8 × 6 = 48, बच गए कितने अपने पास 4, 45 हो गए, 45 हो गए तो 8 × 32, 8 × 5 = 40, फिर कितने बच गए 5 बच गए 50, 8 × 6 = 48, 2 बच गए, 8 × 2 =
16, तो मतलब अपने पास क्या आ जाएगा 65.62। एक तरीका तो अपने पास ये, दूसरा क्या है अपने पास 45 में 8 का भाग दे लेते हैं, ठीक है ना। 45 में क्या करेंगे हम, 8 का भाग दे लेंगे, तो 8 5 40 कितने बच गए, 5 बच गए, ठीक है ना। अब 5 में भाग नहीं जाता तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे, ठीक है ना। फिर 50 हो गए, 8 6 48 कितने बच गए, 2 बच गए, वापस से 0 ले लेंगे, 8 2 16 यहाँ पे कितने बचे, 4 बच गए। हम क्या करेंगे, पॉइंट के आगे सिर्फ 2 अंकों तक सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखो अपने पास ये क्या था, 60 था, और ये कितना अपने पास 5.62, ठीक है ना। दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा, 65.62। मतलब अपना उत्तर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तरीका चाहे कोई भी आप काम में ले सकते हो। आगे बात समझ में। अब देखो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो अपने को क्या करना है, माध्यक दिया हुआ है और एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। अपने लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। अगर यहाँ पे एक्स वाई का मान नहीं ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट आपको माध्यक ज्ञात करना पूछ लेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। देखो इसको ध्यान से देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने को वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, और अपने को क्या करना है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, पहले सी एफ ज्ञात करेंगे। सी एफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले ये वाला ऐसा कैसा, ठीक है ना। देखो ये वाला नंबर यहाँ पे ऐसा कैसा, फिर क्या करते हैं इसमें ये जोड़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कोई संख्या होती तो जुड़ जाती, वरना क्या हो गया, ये 5+ अक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। इसमें ये जोड़ा और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब इसमें ये जोड़ेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। 5 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25+ अक्ष ये अपने पास है, ठीक है ना। फिर 25 में 15 जोड़ेंगे, 25 और 15 कितने हो गए, 40+ अक्ष हो गया। फिर क्या करेंगे, इसमें y जोड़ेंगे तो ये 40+x+y हो गया। फिर 40 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45+x+y, ठीक है ना। आगे बात समझ में। एक चीज और कि जैसे अपने पास हम इन सब का टोटल करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे जो आएगा, ठीक है ना, दोनों संख्या सेम आएगी। मतलब इन सब का टोटल यहाँ पे कितना है, 60 है, और यहाँ पे भी कितना आता, 60 आता, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बस इनको जोड़ रहे हैं आपस में, ठीक है ना। सारी संख्याएं आपस में जुड़ेंगी, मतलब ये किसके बराबर हो गया, ये 60 के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो हम ये लिख सकते हैं 45+x+y बराबर क्या हो जाएगा, 60, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या कर लेंगे हम, देखो ये 60 तो इधर था, इस 45 को इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 60 में से 45 घटेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। एक तो देखो अपने पास x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है ना। अब फॉर्मूले में देखो अपने पास क्या है, n/2। n किसको बोलते हैं, जो बारंबारता है इसका सारा योग क्या कहलाता है अपना, n कहलाता है। मतलब n का मान अपने पास कितना है, 60 है, ठीक है ना। तो n/2 क्या हो जाएगा, n/2 कितना हो जाएगा, 60/2 मतलब कितना हो जाएगा, 30, ठीक है ना। अब देखो अपने पास से CF के लिए ये चीज जरूरी है कि अपने पास से यहाँ पे n/2 का मान कितना आया, 30 आया। अब देखो इससे जस्ट छोटी संख्या है, इसमें देखते हैं हम CF वाले में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 25+ अक्ष है, ठीक है ना। 30 से छोटी एक तो ये दिख रही है, और एक क्या दिख रही है, 5+ अक्ष, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ कि जैसे अपने पास अक्ष प्लस वाई दोनों का मान कितना है, 15 है, तो हम क्या मान सकते हैं कि ये जरूरी तो है नहीं कि अक्ष का मान 5 या 5 से कम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अपने पास क्या है कि 25 और 5 कितने हो जाएंगे, 30, अगर 5 ले तो। अगर 5 से ज्यादा होता है तो ये वाली कंडीशन अपनी गलत हो जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CF इसको मानेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझने, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 30 से ज्यादा होने की संभावना है इसलिए। और CF क्या होता है, जो अपने पास n/2 का मान आया है उससे जस्ट पहले वाली संख्या, मतलब 30 से छोटी संख्या ले रहे हैं। अब यहाँ पे 25 में 25, 5 से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए ये वाला नहीं लेंगे हम, क्या करेंगे, ऊपर वाला लेंगे, ठीक है ना। मतलब अपने पास CF का मान भी कितना आ गया, 5+ अक्ष आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, CF जो होती है ना उससे अगला वर्ग लेते हैं, मतलब ये वाला हम क्या करेंगे, वर्ग ले लेंगे, और ये किसका मान हो जाएगा, F का मान हो जाएगा। और यहाँ पे देखो L जो लोअर लिमिट होती है, ठीक है ना, मतलब इसमें 20 क्या हो गई, छोटे वाली संख्या है, तो ये किसका मान आ गया, L का मान आ गया। और H क्या होता है, L का मान कितना आ गया अपने पास, 20 आ गया।
एच का मान क्या होता है, वर्ग अंतराल, मतलब इनमें कितने कितने का अंतर है, तो सब में देखो 10 10 का अंतर है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस सूत्र के अंदर मान रख दो, देखो एल प्लस एन बटे दो क्या होगा माध्यक अपने को दे रखा है, देखो माध्यक भी दे रखा है, कितना अपने पास माध्यक कितना है 28.5, ठीक है ना। अब इस सूत्र में मान रख दो, देखो माध्यक की जगह क्या हो गया 28.5 बराबर L का मान कितना है, देखो L का मान अपने पास 20 प्लस, अब देखो n बटे 2 का मान कितना अपने पास 30 है, ठीक है ना। और फिर CF का मान कितना अपने पास, CF का मान है 5 प्लस अक्ष, ठीक है ना। CF का मान कितना है 5 प्लस अक्ष बट्टे, और F का मान कितना है देखो अपने पास, F का मान कितना अपने पास 20 है, ठीक है ना। और H का मान कितना है, H का मान है अपने पास 10। आगे बात समझ में, जैसे हमने मान निकाले थे सारे के सारे मान रख दिए। अब देखो अपने पास क्या है, 28.5 है बराबर 20। अब देखो ये इसको ध्यान से देखना, देखो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे माइनस का निशान रखा और 5 प्लस एक्स कर दिया, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसको ढंग से देखना, देखो इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 5 है, माइनस का निशान है अंदर, प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, फिर माइनस को प्लस अक्ष से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का अक्ष होगा। अगर यहाँ पे आपने प्लस का अक्ष कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब बट्टे में क्या अपने पास 20 है गुणा 10, ठीक है ना। अब देखो 28. ये यहाँ पे 20 प्लस है ना, 28.5 बराबर क्या हो गया 20 प्लस। अब देखो 30 में से 5 घटाए कितने बचे 25 माइनस अक्ष बट्टा 20 गुणा 10, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, ये 28.5 तो है ही अपने पास, ठीक है ना, 20 प्लस। अब देखो क्या करते हैं हम, ये जो 10 है बाहर वाला ये क्या करेगा, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, तो ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक तरीका अपने पास ये है कि ये 10 है ये 20 से कट जाएगा, मतलब 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है ना। तो क्या बचा अपने पास 25 माइनस अक्ष बट्टे 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, पहले इसका लघुतम लेके इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो 2 और 1 का लघुतम कितना आएगा, 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 का भाग 2 में देंगे, 2 को 20 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 40 प्लस 2 में 2 का भाग दिया कितना आया 1, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस अक्ष, ठीक है ना। अब बराबर में क्या अपने पास 28.5, यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 ले लेंगे, फिर क्या करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इधर लिख रहा हूँ देखो इसको, कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस 25 माइनस अक्ष को, तो ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 25 माइनस अक्ष, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा देखो बराबर 28.5 को 2 से गुणा करना है, देखो 28 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 56, और 0.5 है, 0.5 का डबल क्या हो जाएगा 1 और जुड़ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा ये 57 आ जाएगा। आगे बात सुन, अब देखो 40 और 25 कितने हो जाएंगे 65, देखो ये माइनस का अक्ष है ये जोड़ दो इसको कितने हो गए 65, माइनस अक्ष बराबर कितना हो गया 57, तो माइनस अक्ष बराबर क्या हो जाएगा 57 माइनस 65, ठीक है ना। ये 65 है बराबर कि इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 57 में से 65 घटाने हैं, मतलब 65 में 57 घटेंगे लेकिन निशान किसका आ जाएगा माइनस का, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो एक्स का मान कितना आ गया अपने पास 8 आ गया। अब देखो अपने पास क्या था, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 15 है, तो यहाँ पे एक्स का मान कितना आ गया 8 आ गया, देखो एक्स प्लस वाई बराबर कितना था अपने पास 15 था, ठीक है ना, तो x का मान कितना आ गया 8 प्लस y बराबर कितना हो गया 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा देखो 15, ये 8 प्लस का है बराबर कि इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 8, तो y का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब एक चीज और बताऊं मैं आपको कि देखो यहाँ पे अगर हम 25 प्लस अक्ष लेते, 25 प्लस अक्ष मतलब अक्ष का मान कितना है अपने पास 8 आ गया, तो 8 मतलब 25 और 8 कितने हो जाते 33 हो जाते, मतलब ये 30 से ज्यादा हो गया, मतलब अपना CF गलत हो जाता, ठीक है ना, इसलिए हमने क्या किया CF ऊपर वाला लिया है। आगे बात समझ में, तो इस तरह से अपने ये 3 क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, मेरे हिसाब से 100% आपके ये तीनों क्वेश्चन आएंगे, और अगर कोई सा क्वेश्चन अगर मिस होता है तो उसमें सिर्फ संख्या ही चेंज होगी, आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।